हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार भी है। और आज सुबह के टाइम में आपको एक बहुत बढ़िया सी जो मैंने ट्रेलिस बनाई है और अपने प्लांट्स में लगाई है, जो मैं बेले लाई थी वो दिखाने वाली हूँ। और पहले ये बता दूँ, जो मैं बेले लाई थी, वाइन्स, क्रीपर्स, जो मैंने सारे आपके साथ शेयर किए थे, उन सबको मैंने रिपोर्ट करके और अपनी अपनी जगह पे उनको जिस पॉट में लगाना था, किसी को बड़े में, किसी को छोटे में, जो मैं पॉट्स भी लाई थी बड़े वाले उनमें डाल लिए हैं, कुछ कुछ छोटे वालों में डाली हैं, तो मैंने सारी डाल ली हैं। अब मेरी ट्रेलिस रह गई है, क्योंकि कुछ बेलें तो ऐसी हैं जो फटाफट भाग रही हैं और उनको तुरंत ट्रेलिस की ज़रूरत है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि ट्रेलिस की ज़रूरत होती क्यों है, क्योंकि जितने क्रीपर्स और वाइन्स होते हैं, ये इतने पतली स्टेम्स होती हैं कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और देखिए, इस बार मैंने अपने जो बांस जो है, बैम्बू जो है, जो मैंने ऊपर सारी बाउंड्री करवाई थी छत की, तो उसमें से कुछ पीसेस जो हैं बैम्बू के बच गए थे, तो आज मैंने उन्हीं को ही बीच में से चीर के, मतलब अलग आधा आधा करके, और एक ही बैम्बू से, मतलब पूरा गोल रहता है उसको बीच में से देखिए कटा हुआ है, उसको काट के बहुत इजीली आप इसको किसी भी शेप में मोड़ना चाहेंगे, ये मुड़ भी रही है देखिए। और एक इस तरह लगा दिया और एक मैंने इस तरह, ये वाली बेल आप पहचान पा रहे होंगे, क्लिमेटिस वाइन है ये, और बहुत ही प्यारे से फूल आते हैं, कई कलर्स की होती है, देखिए इस तरह से। और इसको अगर आप ऊपर से चाहेंगे आप बांध दीजिए, नहीं बांधेंगे तो भी ये इजीली इसने पकड़ ले लिया। और ये मैंने वाइन को खोल दिया और इसमें जितनी स्टेम्स होंगी, देखिए स्टिक बीच में जो लगी रहती है, इसको बड़ी आराम से आप निकाल दीजिए स्टिक को, क्योंकि ये तो नर्सरी से आया था प्लांट। और इस तरह से मैं एक स्टेम इसकी इस तरफ चढ़ा रही हूँ, मैं आपको इन सब का अपडेट भी देती रहूँगी। और देखिए एक इधर इस तरह से, तो ये मेरी पूरा, मेरा जो वाइन थी पूरी सेट हो गई है। और मैं आपको जो ये बैम्बू रहता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो ये बैम्बू रहता है उसके बीच में, उसको जब आप काटेंगे बीच में से, तो ये देखो इसके बीच बीच में थोड़ा सा हार्ड होता है, बस वहाँ पे जहाँ जॉइंट होता है, हार्ड नहीं जॉइंट होता है, वहाँ पे थोड़ा आपको किसी चीज़ से प्रेस करके काटना पड़ता है। और मैंने एक ही बैम्बू से तीन चार बना ली हैं, ज़्यादा बन गई हैं मेरी। और देखिए ये कोने पे मेरी जो बिगुनिया वेनिस्टा पड़ी है, अब मैं एक इसमें लगा रही हूँ, ये देखिए बहुत इजी है, बस उसकी शेप ले लो, कोई भी प्लांटर हो आपका, किसी भी साइज़ का हो, उसी में लग जाएगी इस तरह से। और ये भी बोलना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सुमन की बगिया को, लाइक शेयर करिएगा अच्छी लगे, और इंस्टाग्राम हैंडल भी है सुमन की बगिया, प्लीज़ उस पर भी फॉलो करते रहिएगा, उस पर छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी रील्स को वॉच करते रहिएगा। और देखिए दूसरा इस तरह से, या तो आप ऊपर से लगा लीजिए जो एक लगाया है, या उसके नीचे से, बस इस तरह से आपको शेप बनाते हुए इसको लगा देना है। ये मेरा एक बैम्बू पुराना था, वो मैंने यूज़ किया, जो छत पे, जो टेरेस पे उतर गया था एक बैम्बू, वो वाला यूज़ किया है मैंने। और इसकी भी बेल को मैं इस तरह से इसके खोलकर और इन्हीं के ऊपर, जो ये बैम्बू है इन्हीं के ऊपर लगाने वाली हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा स्टेम्स लग रही हैं मुझे, तो सारी स्टेम्स को मैं इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दूँगी बैम्बू पर, ये देखिए। इस तरह से हम अपने वाइन्स को, क्रीपर्स को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, और इनको सपोर्ट मिलती है तो ये इजीली भी और जल्दी भी ग्रो होते हैं। अदरवाइज़ तो अगर ये नीचे गिरते रहेंगे और फंगस आ जाएगा लीव्स पे या अटैक हो जाएगा प्लांट पे, तो इवन ये डाई हो जाएंगे। इसलिए हमें तुरंत क्रीपर्स को किसी न किसी तरह की ट्रेलिस पे चढ़ाना चाहिए। देखिए ये वाली भी इस तरह से, ये चार स्टेम्स हैं इसकी, तो बिगोनिया वेनिस्टा की। चलिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।